नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। 10 मिनट की बारिश में सड़क तालाब बन गई। बाजार में बग्गी रोड पर 1 फीट तक पानी भर गया। नाला न होने से दिक्कतें हो रही हैं। 5 साल के ठंडे बस्ते में नाले का प्रस्ताव। मुजेहना ब्लॉक के बग्गी रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। 10 मिनट की बारिश से तहस नहस हो गई है व्यवस्था। 5 साल से ठंडे बस्ते में नाले का प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। 10 मिनट की बारिश में सड़कें बनी तालाब। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तैयारी, किस तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन की, और पानी किस तरीके से सड़कों पर भरा हुआ है ये आप देखिए। पैदल कोई शख्स इन सड़कों पर चल नहीं सकता है और दुपहिया वाहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हादसों को दावत भी दे रही हैं ये सड़कें। मात्र 10 मिनट की बारिश ने ये हाल गोंडा की सड़क का कर दिया है, और ये तस्वीर काफी है प्रशासन की पोल खोलने के लिए। तो 10 मिनट की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं, नालों की सफाई न होने की वजह से और नालों की व्यवस्था न होने की वजह से यहां इस तरह की तस्वीरों का हर बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और एक बार फिर शासन प्रशासन की पोल यहां खुलती हुई नजर आई। तो गोंडा से ये तस्वीरें, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। 10 मिनट की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं। बाजार में बग्गी रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, 1 फीट तक पानी यहां पर भर गया है। नाला न होने से ये दिक्कतें हो रही हैं। 5 साल से ठंडे बस्ते में नाले का प्रस्ताव है। मुजेहना ब्लॉक के बग्गी रोड का ये मामला बताया जा रहा है। नोएडा में एक बार फिर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि ये छापेमारी नोएडा के नामी अस्पताल मेट्रो पर की गई है। सेक्टर 11 और सेक्टर 12 में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में आईटी की छापेमारी की गई। हॉस्पिटल के अंदर दर्जन भर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आयकर विभाग की टीम कागजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हॉस्पिटल पर टैक्स चोरी और ट्रांजेक्शन में धांधली का आरोप है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। और टैक्स चोरी धांधली का आरोप है, जिसकी वजह से यहां पर छापेमारी हुई। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल की। नोएडा में एक बार फिर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि ये छापेमारी नोएडा के नामी अस्पताल मेट्रो पर की गई है। सेक्टर 11 और सेक्टर 12 में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में आईटी की छापेमारी की गई है। हॉस्पिटल के अंदर दर्जन भर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आयकर विभाग की टीम कागजों की जांच पड़ताल में जुट गई है। हॉस्पिटल पर टैक्स चोरी और ट्रांजेक्शन में धांधली का आरोप है।
तो आयकर विभाग ने छापेमारी की, दोनों मेट्रो हॉस्पिटल्स पर छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी धांधली का आरोप है। छापेमारी नोएडा के नामी अस्पताल मेट्रो पर की गई है। सेक्टर 11 और 12 में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में आईटी की छापेमारी की गई। हॉस्पिटल के अंदर दर्जन भर आयकर विभाग मौजूद हैं। आयकर विभाग की टीम कागजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हॉस्पिटल पर टैक्स चोरी और ट्रांजैक्शन में धांधली का आरोप है। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। परिवार के तीन लोगों ने खाया जहर, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया। पिता और बेटी की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में मां का इलाज जारी है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर परिवार ने जहर खाया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, परिवार के तीन लोगों ने खाया जहर, लखनऊ से ये खबर। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पिता और बेटी की हुई मौत, मेडिकल कॉलेज में मां का इलाज जारी है। जानकीपुरम थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ का ये मामला, परिवार के तीन लोगों ने खाया जहर, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पिता और बेटी की मौत हुई, मेडिकल कॉलेज में मां का इलाज जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण रहे और क्यों इस परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। लखनऊ की ये बड़ी खबर है, जहां पर परिवार के तीन लोगों ने जहर खाया, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। परिवार के लोग, आपको बता दें कि इनमें से पिता और बेटी की मौत हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज में मां का इलाज जारी है। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, परिवार के तीन लोगों ने खाया जहर, आखिर ये बड़ा कदम परिवार ने क्यों उठाया, आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाने को ये परिवार विवश रहा, इसकी जांच पुलिस कर रही है। महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को बीमारी का हवाला देकर क्षेत्र अधिकारी से छुट्टी मांगना महंगा पड़ गया। क्षेत्र अधिकारी ने सब इंस्पेक्टर को 10 दिन की छुट्टी के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भी सिफारिश कर दी। क्षेत्र अधिकारी के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच एएसपी को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक निचलौल थाना क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर लल्लन राम ने क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उसे घबराहट होती है, कैंसर का ऑपरेशन भी कराया है, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, अस्पताल के डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है, ऐसी स्थिति में 10 दिन की छुट्टी दी जाए। क्षेत्राधिकारी ने सब इंस्पेक्टर को 10 दिन की छुट्टी के साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश भी जारी कर दिया। बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। एक्शन में एसपी यशवीर सिंह गुर्जर जिले में जारी हुए तबादले के आदेश, 11 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक के तबादले हुए। कानून व्यवस्था को सही बनाने के लिए तबादले जिले में हो रही थी रोजाना, अब यह घटना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। लगातार तबादले हो रहे हैं सोनभद्र से। बड़ी खबर, एक्शन में एसपी यशवीर सिंह जिले में जारी हुए तबादले के आदेश, 11 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक के तबादले। कानून व्यवस्था को सही बनाने के लिए तबादले जिले में हो रही थी रोजाना, अप्रिय घटना, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एसपी यशवीर सिंह गुर्जर ने ये तबादलों को लेकर जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं।
कानून व्यवस्था को सही बनाने के लिए ये तबादले किए गए। एक्शन में एसपी यशवीर सिंह गुर्जर, जिले में जारी हुए तबादले के आदेश, 11 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक के तबादले हुए। लखनऊ के काकोरी थाने के अंतर्गत मौदा गांव के पास सिंचाई विभाग की नहर पर सीएल प्रॉपर्टीज के द्वारा अवैध पुलिया बनाई गई है। आपको बता दें कि सीएल प्रॉपर्टी डीलर ने नहर की जमीन पर कब्जा कर बिना परमिशन के नहर पर पुलिया बना डाली। सिंचाई विभाग भू माफियाओं के आगे नतमस्तक होता दिखाई दिया। सिंचाई विभाग की लावारिस पड़ी हुई जमीन पर भू माफिया सीएल प्रॉपर्टी का नहर में कब्जा है, जिस पर बड़े पैमाने पर भू माफिया अवैध कब्जे कर वहां पक्का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल उस परिवार से आते हैं जिसने देश को आजाद कराने में योगदान दिया है, उस परिवार से नहीं आते जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगा करते थे। आज महंगाई का विरोध करते हुए राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बीजेपी सरकार राहुल गांधी को डराना चाहती है, कांग्रेस की सरकार आते ही इन सब लोगों को मुर्गा बनाया जाएगा, जनता इसका हिसाब लेगी, धर्म की आड़ में ये बाबा दंगे भड़का रहे हैं। 5 किसानों के हथियारों का पिता देश के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठ रहा है। नुपुर शर्मा, जिसने देश का माहौल खराब किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो सचिन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को डराना चाहती है, साथ ही उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे भड़काए जा रहे हैं देश में और देश का माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस नेता आज महंगाई का विरोध करते हुए राहुल गांधी जी को हिरासत में लिया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है हमारे उन शहीद जवानों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और इस मौके पर राहुल जी को गिरफ्तार करके ये दिखा देना कि सरकार राहुल गांधी जी से डरती है। मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार आने दीजिए, इन सबको मुर्गा बनाया जाएगा, जितने भी ये लोग हैं जनता इनको मुर्गा बनाने के लिए तैयार है। ये जो धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, चोले पहने घूम रहे हैं, धर्म की आड़ लेके दंगे फैला रहे हैं। आज भी गृह राज्य मंत्री मोदी जी की कुर्सी के बराबर में बैठ रहे हैं, शाह जी की कुर्सी के बराबर में बैठ रहे हैं। 5 किसानों का हत्यारा, उसके बाप आज खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे गृह राज्य मंत्री होते हैं? नुपुर शर्मा, जिसकी वजह से देश में माहौल खराब हो गया, आज भी बाहर घूम रही है, ये कैसा देश बनाना चाहते हैं आप? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, वो समय दूर नहीं है जब आपका विनाश होने में समय लगेगा। जनता आपसे थक चुकी है, वो पुराने दिन लौटा दो और ये राहुल जी से पंगा लेना बंद कर दो। आपको लगता है कि जनता को ये दिखाकर राहुल जी सोनिया जी को ईडी के ऑफिस बुला के उनकी आप छवि खराब कर लेंगे? उन्होंने आपको पैदा किया है। कन्नौज में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं और इसी कड़ी में
समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोलेरो गाड़ी को रस्सी से खींचते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता इस गाड़ी को कलेक्टर परिसर तक लेकर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। खाद्य और पेट्रोल की महंगाई कम करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में डीजीपी डीएस चौहान ने पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने का काम किया। दरअसल सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में डूब रहे दो लोगों को सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, जिसके बाद डीजीपी ने सिपाही संदीप यादव और सिपाही चंदन को हेडक्वार्टर बुलाया और सम्मानित किया। साथ ही परिवार और बच्चों के बारे में भी पूछा। तो नदी में डूब रहे लोगों को बचाया गया, सिपाहियों ने बचाई जान, डीजीपी ने उन्हें सम्मानित किया। आज यहां जिला कारागार का हम एसपी साहब और एडिशनल एसपी एडीएम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फोन, कुछ चार्जर और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसके संबंध में जो कानूनी कार्रवाई है होती जा रही है। मॉनसून आने के बाद से पर्यटकों को ताजमहल का दीदार रास आ रहा है। रोजाना लगभग 15,000 पर्यटक ताजमहल घूमने आ रहे हैं। वीकेंड पर ये संख्या और बढ़ रही है। पर्यटकों की आमद से पर्यटन व्यवसाय काफी खुश नजर आ रहे हैं। ताजमहल आने पर बारिश होते ही पर्यटकों का उत्साह दोगुना हो रहा है। बारिश होते ही पर्यटक मस्ती करना शुरू कर देते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, अब संख्या बढ़ रही है पर्यटकों की और पर्यटक ताजमहल बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दीदारे ताजमहल के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जिसको लेकर प्रशासन भी तैयार है, अलर्ट मोड पर है। वहीं सावन में बारिश होते ही पर्यटकों के चेहरे खिल जाते हैं। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव दारापुर में एक मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई। गांव की ही एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले 8 साल के मासूम सचिन को चोरी करने के शक में बुरी तरह पीटा। सचिन की लात घूंसों और डंडों से पिटाई की गई। आरोपी महिला ने सचिन की को पीटने के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए। यहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है। सचिन के परिजनों ने पूरे मामले की तहरीर थाना अहमदगढ़ में दी। परिजनों का आरोप है कि बच्चे पर रंजिश निकाली गई है। बच्चे को पीटने वाले आरोपी उनसे रंजिश मानते हैं। बच्चे पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे पीटा गया। परिजनों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिरसा में बाइक से अपने पति के साथ जा रही महिला की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बाइक सवार जीतू डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिला सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही डंपर की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुराई बाग चौराहे पर डंपर चालक को पकड़ लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो रायबरेली से ये मामला है जहां पर ओवरटेक करते समय ये भीषण हादसा हुआ। इसमें एक महिला की मौत हो गई, डंपर से कुचलकर महिला की मौत हुई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वार क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो युवक का पड़ा मिला शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक के साथ क्या हुआ। रामपुर से ये मामला सामने आया है जहां पर युवक का शव पड़ा हुआ मिला और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक के साथ हुआ क्या है और युवक की मौत आखिर कैसे हुई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रामपुर से ये खबर जहां पर एक युवक का शव पड़ा मिला और परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, कैसे युवक यहां पहुंचा। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।